flag of UAE, and this is Indian flag. We are Indians. We respect Hindustan. Sinks Motorcycle Club को launch करने के लिए करनाल में and LGT 650 और एक हार्ले. एबीएसी तो मारता है, एबीएसी तो मारे हैं. एक हार्ले. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. मैं हूँ आपका अपना मैड बॉय शिवालिक हेयर. तो गाइज, आज व्लॉग स्टार्ट अब शाम को नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इवनिंग में नहीं कर रहे हैं, हम आफ्टरनून में कर रहे हैं. और हमारे वेदर, यहाँ का वेदर चेक करो कितना बढ़िया है. और मैंने फाइट का देखो क्या हाल करा हुआ है. तो ये मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. और इससे पहले मेरे पास एक ऐसे प्रोजेक्ट पड़ा था, मीन्स डी का ही माल था. ओरिजिनल तो नहीं कह सकते ऐसे प्रोजेक्ट, बट पड़ा था. और वो मैंने स्प्लेंडर में लगवाया था इस वाली में. तो ये आप सोच रहे होगे कि मैंने इसमें लगवाया था. देख लो इतना टाइम का पड़ा था वो मेरे पास. और मैंने सोचा कि वो अपने बुल में इंस्टॉल करा जाए, क्योंकि मैं दिखाता हूँ. मैंने उतार तो लिया है वो. ये देखो, ये ऐसे ऐसे एडजस्ट होकर लगा हुआ था ये. तो मैंने सोचा चलो इसको उतार के देन अपने बुल पे इंस्टॉल करते हैं. बुल से मैंने A1 वाला, ये वाला जो था, ये वाला एग्जॉस्ट उतार दिया था. और मैंने अब इंस्टॉल करा है अभी उसको फिटिंग करता हूँ. और प्रॉपर देखते हैं, पहले उसको वॉश कर लेते हैं एक बारी ना अच्छे से, ताकि वो ना अभी मिट्टी मिट्टी होया हुआ. मैं ऊपर रखा हुआ था कितने दिनों से. और बुल मैंने स्विच ऑफ करते हैं. तो ये कितनी देर की ऑन ही पड़ी थी. और ना एक चीज़ क्या हो गया गलत, तो ये देखो यार, इसमें ना पेच गिर गया. तो इसके अंदर ना पेच गिर गया यार. और मैं इतनी देर से सारे तरीके मैंने लगा लिए हैं कि पेच निकल जाए किसी ना किसी तरीके, बट ये निकलने भी नहीं आ रहा. अब मैंने प्लायर मंगवाया है छोटे वाला, तो उससे ट्राई करते हैं. होप्स हो गया यार निकल जाए, नहीं तो मेरे को बैटरी निकालनी पड़ेगी. बस फोर कोई दिक्कत नहीं है. मैं इसीलिए घर पर ना बाइक को खोलता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे साथ ना ये वाले कांड होते रहते हैं. तो अगर ये रैप को फाड़ देता ना तो और ज़्यादा दुख लगता. और बारिश जो थी ना मिट्टी वाली थी, तो देखो ऐसी ऐसी इस बारिश से ना बाइक में यही होता है कि भाई बाइक गंदी हो जाती है. तो चलो पहले मैंने एक बार ही निकाल लूँ यार, कभी कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए पहले एक बार निकाल लूँ वीडियो को थोड़ा साइड रख के. तो फाइनली गाइस, मैंने बुल को दोबारा से नंगा कर दिया. देखो एग्जॉस्ट निकाल दिया और पेज भी निकाल दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है. दिखाता मैं, ये देखो ये छोटी सी चीज़ से इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई. तो एक बारी बिना एग्जॉस्ट के बुल का साउंड सुनते हैं कैसा आता है. टू मच लाउड, टू मच, बहुत ज़्यादा लाउड है. तो पहले एग्जॉस्ट को सेट करते हैं धो के. तो फाइनली गाइस, ये हमने ना अपना ये वाला एग्जॉस्ट हमने इसके ऊपर लोड कर दिया है. और आज हम थोड़ा सा बैम पाइप बाहर वाली साइड करवा के, बिकॉज यार ये देखो जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हाई स्पीड वाले. तो इसको हम सेट करवा के आते हैं, आज निकलते हैं. पहले ऐसी जो है ना, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा आया. तो ऐसे को आज ठीक करवा के आते हैं, ऐसे उतरवा देंगे, देन वो वाला लगो, वो एडजस्ट करवा के लगवाएंगे. तो गाइज ऐसे की ना आवाज़ सुनो एक बारी, कानों में चुभ रही है. तो ब्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो डेट्स वाई हम ऐसे उतरवाएंगे. तो चलो गाइज निकलते हैं. बुल मैंने स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, बहुत ज़्यादा. साथ साथ हम चेंज भी करवा देंगे. और तो उसको ना
साइलेंट करवा सकते हैं हम, पर इसको हम साइलेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो दिवाली पे आएगी तो हैप्पी दिवाली सबको। हमने निकलना है यहाँ से और यहाँ पे लगा हुआ है जाम। हम तो भाई हमें हेलो करता है जिसका, तो भाई यार इतनी जगह पड़ी है निकालने को नहीं हो रहा है। वो I-20 की वजह से ना, वो देखो दिख रही है, उसकी वजह से मेन तो जाम लग गया। बिकॉज ये बाइक वाले देखो ना यार, ये बाइक वाले एक लाइन में नहीं जाते। अब आने की ट्रैफिक तो बहुत है, बहुत लगी हुई सी, हिलदा नहीं सी, मतलब कि ना वो तो बॉडी किसकी ना लग लग के। तो भाई डीवी किलर का कमाल दिखाएंगे यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो गाड़ियाँ उठाने का सिलसिला चल रहा है, बिकॉज यार हर कोई नो पार्किंग में लगा के चला जाता है, और डेट्स वाई लोग फिर गाड़ियाँ उठा देते हैं, फिर ढूंढते हैं लोग। तो भाई बजरंग बली जी की, भाई बजरंग बली जी आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए वापसी बैठ कर कैमरा ऑन किया है। तो आप भी देखो यार हमारे साथ साथ, दर्शन आप भी कर लो। तो फाइनली गाइस आ गए थे लाइनअप पे, और अभी हमारा जो थोड़े बहुत बंदे हैं वो रहते हैं, और देखते हैं पहले अभी ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड हमारे पाली भैया जी भी आ गए हैं आज अपनी लाइनअप में, अपना बुल और KTM एंड अगेन KTM और कॉन्टिनेंटल GT 650 और एक हार्ले, एक हार्ले और आज ही अपने लाइनअप में है प्रॉपर। और अभी रंजीत भैया आ रहे हैं, जिनके जो पिछली बार डांस करते हुए दिखाया था ना, वो भैया आ रहे हैं अभी, और फिर देखते हैं। और ग्रुप में बोला तो बहुत जनों ने था, बट यार ये चीज़ गलत हुई हमारे साथ कि बोल के भी अब आई नहीं। तो देखो, और राइडिंग जैकेट होती तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता, बिकॉज फाइनली अपा पहुंच चुके हैं झिलमिल, और अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच चुके हैं।
यहाँ से लगाते हैं हम दोबारा लाइनअप। तो फाइनली गाइस अब आ गए झिलमिल, तो बैक साइड पे आप देख सकते हो झिलमिल है और यहाँ पे आए थे और यहाँ पर मोंटू भैया यहीं आ रहे हैं बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि आप तो चलो बिकॉज़ यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे, हम हाफ एन आवर डिले हो चुके थे। और अब देख गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्कार एवरी वन एंड टूडे वी आर हेयर इन झिलमिल ढाबा फॉर अ शॉर्ट मीटिंग एंड कॉफ़ी पार्टी एंड meeting was because of Movember rides which is coming by next Sunday and aaj sari discussion bhi hui hai Sinks motorcycle club ko launch karne ke liye Karnal mein and Nick is the main part jinhone aaj sabko organize kiya joda sabko ikkhe kiya and we have a long way vision together we respect brotherhoods and we welcome all the anyone is a welcome chahe wo male ho female ho koi bhi religion ka ho everyone is welcome here in this group because first of all we are the bikers and we respect biker brotherhood thank you thanks a lot australia ka bhi aur canada ka bhi ek bari aur dasna haan ji logo de bare so this is Sinks motorcycle club logo and the mother chapter is in UAE so we have a flag of UAE and this is Indian flag we are Indians we respect Hindustan and ye baaj hai baaj ke sath ye shastr hain kyunki apni jo pratha hi shastron se chali aayi hai India ki to hamari jo sirjana hi shastron se hui hai so we respect the swords and shastras as well so this is our logo UAE and chapter India. तो फाइनली गाइस ये था आज का व्लॉग और होप सो कि आपको राइड अच्छी लगी होगी। बातें थी जो इस राइड में हमने करी आपके साथ तो बस आज की राइड ये छोटी सी थी, मीटअप था राइड में थी तो मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा, राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सबसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी मैं पेज का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप जाके एक बार फॉलो करो उनका पेज। तो मैं मिलता हूँ तब तक आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।